पढ़ेंगे। पिछले दिनों से हम लोग वो वचन देखते आ रहे था जो सांग साहब सालमोन उसका धोखा 16 सांग साहब सालमोन उसका मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपने भेड़ बकरियाँ शोषण फूलों के बीच में चराता है। इसके बारे में हम कल ही देखा, हिंदी में भेड़ बकरियाँ को चलाता करके लिखा है, लेकिन मूल भाषा में भी और इंग्लिश में भी उसके लिखा है कुत दुला शोषण का फूलों के बीच में चराता है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हम फिर कल देखा प्रभु का चाहत यही है ताकि वो शोषणों को फूलों में ही चला फिरना करना चाहते हैं। शोषण फूल माने क्या है? खुद हम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शोषण फूल हम बनेंगे 100% प्रभु हमारे बीच में रहेगा, हमारा घर में रहेगा, हमारा परिवार में रहेगा, उसमें कोई प्रकार की डाउट नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का चाहत यही है, वो हमारा साथी रहना चाहते हैं। दुनिया का उल्पन से लेकर उनका वही चाहत है। आदम हव्वा का सृष्टि करने के बाद प्रभु किया हुआ पहला काम उनका साथ चलना फिरना करना, आदम हव्वा के साथ चलना फिरना करना उनका चाहत था। वही चाहत हमारा बीच में भी, तो उसी के लिए हम लोग श्वसन का फूल बनना। श्वसन फूल के बारे में ऑलरेडी स्टडी दिया हुआ है। श्वसन का फूल का एक स्वभाव था इनोसेंट होलीनेस, प्योरिटी एंड इनोसेंट होलीनेस। प्योरिटी, प्योरिटी माने क्या? शुद्धताई एंड इनोसेंट होलीनेस। इनोसेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्कलंक, मासूम, मासूम, मासूम होलीनेस, पवित्रताई। हालेलुया। ये हमारा जीवन में इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे के समान हमारे जीवन में एक पवित्रता को स्वीकार करना। हमें कोई भी खूबी नहीं है, लेकिन अंदर से हम श्वसन फूल बनना। कल हम देखा है जैसा बाहर में हम लोग श्वसन का फूल बनना, वो बड़ा बात नहीं है। बस 500 रुपया दिया तो बहुत अच्छा, व्हाइट सूट पहन के घूम सकता, लेकिन अंदर से श्वसन फूल बनना, उसके लिए हम बहुत कुछ चीज़ों को देखते आया। उसमें एक चीज़ है, हमारे अंदर में श्वसन फूल बनना, सफ़ेद बनना, ताकि हमारे अंदर में जो पाप लाल था वो प्रभु बोला है हम हिम के समान सफ़ेद करेंगे। मिलाते लेकर पढ़ सकता है ऐसे नबी का किताब उसका 1:18। यहोवा कहता है आओ हम आपस में बैठकर वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे कितना लाल रंग का क्यों हो, तो भी हिम के समान उज्जवल हो जाएगा। और चाहे अर्कवानी रंग के हो, चाहे आसमान की रंग हो। ये यहाँ पर आसमानी रंग नील रंग का नहीं बोल रहे हैं। जब काला बादल आ जाता है फिर अंधकार छाया जाता है, ऐसा आसमान में जो काला बादल का समान जो आसमान अंधकार हो जाता है, वैसा ही तुम्हारा पाप क्यों ना हो तो भी मैं ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु हमें बर्तलाव के लिए बात करता है, बुलाता है। प्रभु का बहुत अच्छा बुलावट, ये बुलावट क्या है? बर्तलाव। आइए हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आपस में बैठ कर बात करेंगे। हालेलुया। आपस में बैठ कर बात करेंगे ताकि आज मेरा परमेश्वर कितना पवित्र है, हम कितना अपवित्र है, परमेश्वर कितना महान, हम कितना अबाका है, परमेश्वर कितना बड़ा है, हम कितना छोटा है। हालेलुया। ये हम समझना है, हम प्रभु से बैठना। हर बार प्रार्थना में आने के बाद हमारा कमी घड़ी का जरूर बता के माफ़ी मांगने का अनुभव हमारे जीवन में आना है। सुधरना है, हर दिन सुधरना है, हर दिन मन फिरना है, हर दिन माफ़ी मांगना है। ये हर बार में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, कुछ समय उसी के लिए अलग कीजिए। पहले प्रभु से बात कीजिए,
मेरा जीवन में जो भी कमी गड़ी, आप बिना बोल के सब कुछ प्रभु जानता है, आप बिना बोल के प्रभु जानता है, लेकिन जो मांग लेता है छोड़ भी देता है उन पर दया किया जाएगा। बहुत लोग, कितना लोग है, मानता भी नहीं छोड़ता भी नहीं, कितना भी वजन सुनता मन को कठोर करके अपना मन मर्जी में चलता, उन लोग अंत बहुत बड़ा बुरा होगा। हम प्रभु का आगमन तक आपको चिल्ला सकता है, हम चिल्लाते रहते हैं प्रेतलाट, लेकिन एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, आप चिल्लाएगा प्रभु आपका आवाज नहीं सुनेगा प्रेतलाट। आज हमारे जीवन में ऐसा ही है, हालेलुया। कल एक आदमी फोन कर रहा, 32 माह लेकर 7-8 साल हो गया, सच माकर 5-6 साल हो गया, हालेलुया। कल फोन करके पूछ रहा है, पास्टर कल हम चर्च में आएंगे, कितना बजे चर्च खोलेगा? कल शाम को, प्रेज द लॉर्ड, कल शाम को 6 बजे के बाद, क्यों? और जानता है गवर्नमेंट आर्डर हो गया, चर्च बंद है, लेकिन वो मुझे टट्टा नहीं उड़ाया, परमेश्वर को टट्टा उड़ा रहा है, क्या करेंगे? ऐसा दिन आएगा अब चाहेगा तो भी प्रभु को पुकार नहीं सकता, दरवाजा बंद हो जाएगा, आप कटकड़ाएगा, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानते, उसे पांच कुमारी को जो आवाज आया तुमको मैं नहीं जानते, ऐसा एक दिन प्रभु का दरवाजा बंद हो जाएगा, आप कटकड़ाएंगे, नहीं हो सकता। आज आपका कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, हम आपसे बोलते हैं आप शोषण का फूल बन सकता है, शोषण फूल के समान निष्कलंग और क्या है मासूम पवित्र बन सकता, बिल्कुल पवित्र बन सकता। अपना दिल को हल्का कीजिए, कुछ टेंशन मत रखिए, कुछ बोझ मत रखिए, हल्का हो जाइए, दुनिया का छोड़िए, दुनिया की चीज़ों को छोड़िए, दुनिया की मान सम्मान अपना बुद्धि सब छोड़ दिए, प्रभु का हाथ में समर्पण कर दिए, जो कुछ हो रहा है मसीह में खुशी हो जाइए, प्रभु का हाथ में सौंप दीजिए, जो भी भला भी हो बुरा भी हो सब कुछ प्रभु के लिए, हालेलुया। इस हालत में आ जाइए, यही सच्चे और कुछ भी सच्चे नहीं है। आपका घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, नौकरी चाकरी, आपका रिश्तेदार, बेटा बेटी, बात हो, कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब कुछ छीना जाएगा, एक ही सच यही है, वो केवल यीशु मसीह, हालेलुया, केवल यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। इसे प्रभु बुलाता है, प्रभु आपको शुद्ध करना चाहते हैं। अभी भी आप कितना भी गिराव हालत में चिंता मत कीजिए, हम इतना गिर चुका, हम इतना भड़क चुका, क्या मैं दोबारा हम प्रभु के पास पहुंच सकता है? 100% जब तक तुरी ना पुके तब तक आपके लिए मौका है, मेरे लिए मौका है, आमीन, हालेलुया। इसे तो वचन संहिता वाला करा है, वचन संहिता 51 का 7 में लिखा, वचन संहिता 51 का 7 में लिखा, मुझे धो लीजिए, मुझे धोइए तब मैं शुद्ध होंगे, बहुत बड़ा पाप करके विभचार प्लस मर्डर करके पश्चाताप के पश्चाताप के साथ विभचार किया, उसको शादी करवाने के लिए उनका पति को मर्डर किया, इतना खतरनाक पाप करके गिरने के बाद भी वो प्रभु के पास आकर गिर गिरा रहा, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए मैं तब शुद्ध होंगे। वचन संहिता 51 पूरा, वो अपना पाप के लिए पश्चाताप करके माफी मांगने वाला वचन संहिता है, घर में जाकर पढ़कर देख लीजिए, वचन संहिता 51 पूरा पढ़कर देख लीजिए। जब पश्चाताप पश्चाताप के साथ वो पाप करके मर्डर करने के बाद तो वो पश्चाताप करके प्रभु के पास माफी मांग रहा, वही वो वचन संहिता है, आप पढ़िएगा 51 का 7। जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, तब मैं पवित्र हो जाएंगे, मुझे धो, मुझे धो, मुझे धो, और मैं हीम के हीम से भी, और मैं हीम से भी अधिक सफेद बनूंगा, अधिक सफेद हो जाऊंगा। ध्यान दीजिए, मुझे धो लीजिए मैं सफेद हो जाएंगे। आज ये समर्पण, दाऊद इतना पाप करने का बावजूद भी प्रभु का स्नेह दे, स्नेह क्या बोलते हैं उसको, मित्र बन गया, इसलिए परमेश्वर का मित्र बन गया, इसलिए वो हर बार पाप करने के बाद पश्चाताप करता, सच में दिल से पश्चाताप करता, सिर्फ होटल से नहीं, बहुत होटल से पश्चाताप करता है, होटल से पश्चाताप करने का चिन्ह क्या मालूम है, दोबारा वो पाप करेगा, लेकिन दिल से पश्चाताप करने का मकसद क्या मालूम है, दोबारा वो पाप से हलक हो जाएगा, हालेलुया। यदि आप पश्चाताप सच में टूटा हुआ मन के साथ, आंसू के साथ अपना पाप के लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको धोके हिम के समान बिल्कुल शुद्ध करना चाहते हैं, हालेलुया। हम बागर में भी अंदर में भी शोषण का फूल बनेंगे, प्रभु हमारा मध्य में छला पिरा करेगा, हालेलुया। अगला शोषण फूल का क्या खूबी है, उसके अंदर, उसके अंदर वो मेडिसिन का क्वालिटी है, क्या है मेडिकल, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, गुण है, दवा का गुण है, वो बहुत लोग बहुत प्रसन्न का बीमारी के लिए दवा बन जाता है, हालेलुया। उसके बारे में आप क्या है
जो आप नेट में जाकर चर्च करेंगे, सोशल पूल का जो है, जो जो मेडिकल गुण के बारे में चर्च करेंगे, वहाँ पर उसका बारे में बहुत कुछ मेडिकल का ये भी बताता है। वो जो है बुखार के लिए, पेट दर्द के लिए, और खास तौर पर जो आग में जल गया शरीर उसी में उसको पीस कर उसके ऊपर डाला जाता है। और जो है डिलीवरी, जो है डिलीवरी होने के बाद उसके रिकवर होने के लिए, इसलिए बहुत कुछ उसमें लिखा है, आप नेट में देख सकते हैं। दूसरा गुण उसके अंदर क्या है, उनका द्वारा चंगाई का वरदान शुरू होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, एक दुलीन है और श्वसन का फूल का तरह उनका जीवन से चंगाई प्रकट होना है। चंगाई तीन प्रकार से चंगाई प्रकट होता है, ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार से चंगाई, हीलिंग से चंगा होता है। फर्स्ट पिसाटी फिजिकली हीलिंग्स, कुछ लोगों को फिजिकली हीलिंग चाहिए, कुछ लोगों को क्या है मेंटली हीलिंग से चाहिए, कुछ लोगों को फ्रिक्चुअल हीलिंग से चाहिए। हालेलुया, तीन प्रकार के हीलिंग्स, एक दुलीन है, एक दुलीन के अंदर से तीन प्रकार के हीलिंग्स निकलता है। ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार के हीलिंग्स उनके जीवन से निकलना है। फर्स्ट प्रायोरिटी और कोई फिजिकली क्या है, कोई बीमारी है उसके लिए, कुछ मेंटली, कुछ दिन पहले बहुत लोग एक सिस्टर को लेकर आए छिल्ली डंगल से, उसका फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, उसके क्या है मेंटली प्रॉब्लम, उसका दिमाग संतुलन बिगड़ गया। हालेलुया, इलते बहुत कुछ गलत उनको सोचकर डर रहा, मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली हीलिंग चाहिए उनको। और बहुत अच्छा हम लोग क्या कर दिया है, उसको सलाह देकर उनको भेजा। तीसरा है स्पिरिचुअल हीलिंग्स, स्पिरिचुअल हीलिंग्स मतलब क्या है, जो लोग आत्मिक रीति से बिगड़ गया, पाप में गिर गया, प्रभु से दूर हो गया, चर्च नहीं आता है, प्रार्थना में नहीं बैठता है, और उपवास नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, या परिवार के अंदर में गिना हो, परिवार के बाहर में गिना हो, कैंसल में गिना हो, उन लोग का जीवन में ऑलरेडी वो ठीक था, अभी क्या है स्पिरिचुअल में वो उसका बीमारी आ गया, प्रभु से वो भुटभुटाने लगा, प्रभु से दूर हो गया, कलीसिया से दूर हो गया, पास्टर से दूर हो गया, पास्टर को बारे में कुटकुटा रहा है, वही संगी विश्वासी से झगड़ा करके दूर हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी तरह की स्पिरिचुअल जो हीलिंग्स, ये तीन प्रकार की हीलिंग्स प्रभु क्या करना चाहते हैं, अपना श्वसन के पुल के द्वारा देना चाहते हैं, अपना दुलीन के द्वारा ही प्रभु देना चाहते हैं। उसके लिए प्रभु अपना स्वर्ग दूतों के बिना नहीं भेजेगा, जो दुलीन है जिसके अंदर में एक खूबी रहेगा, तीनों जगह पर उसका हीलिंग होगा। कितने लोग प्रभु के पास आता है, प्रभु से तीनों प्रकार की हीलिंग आया, निकदम आया, रात को आया, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका स्पिरिचुअल बीमारी था, स्पिरिचुअल बीमारी था, उसका प्रभु समझाया दोबारा जन्मना है, जब तक तो दोबारा नहीं जन्मेगा तब तक तो परमेश्वर राज्य में प्रवेश, उसका स्पिरिचुअल उसका हीलिंग नहीं था। और कितना लोग हैं पागल है, मेंटल प्रॉब्लम से लेकर आया, उनको प्रभु चंगा किया है, कितने लोग शरीर में हीलिंग है, वो क्या है, इतना ही नहीं है, वो अपने चेलानों को बेचते समय यही बोल बेचकर भेजा है, मिला तो लेकर पट सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:8, मत्ती रचित सुसमाचार, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, दोबारा पढ़ो, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, दुष्टात्मा को निकालो, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया, यहाँ पर दुष्टात्मा को निकालो, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, स्पिरिचुअल हीलिंग, उसका डिविल स्पिरिट पकड़ लिया उनके जीवन में। और क्या है, जो चंगाई खोट गिर वेपरा फिजिकली हीलिंग्स, उनका अधिकार देकर भेजा, प्रभु किसको भी भेजेगा अधिकार देकर भेजना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु अधिकार देगा, प्रभु का दास के द्वारा ये तीन हीलिंग मिलेगा, तीनों तरफ से उनका हीलिंग मिलेगा। एक दुलीन, एक सिर्फ सेवक नहीं है, एक दुलीन को प्रभु इसलिए बोला, अधिकार दिया है, मेरा विश्वास करने वाला का ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नया नया भाषा बोलेगा, रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, तो सोचिएगा आज ये हीलिंग प्रभु हर एक को प्रभु देना चाहते हैं, ये अधिकार है। लुका रचित सुसमाचार 9:1-2 पढ़ने से भी, लुका उसका 9:1-2, लुका रचित सुसमाचार,
फिर उसने बारों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं उसका सारे दुष्टात्माओं को और बीमारों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया दुष्टात्मा को और सारी बीमारों को। दुष्टात्मा मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग, क्योंकि उनको स्पिरिट पर डिविल स्पिरिट आ गया। और दूसरा है सारी बीमारों को शुद्ध करने का अधिकार दिया गया। छे अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते, गांव-गांव में सुसमाचार प्रचार किया और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहा। ताली बजा के हालेलुया। फर्स्ट काम हर जगह पर सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। जाना है नया लोगों के पास, जाइए। आप विश्वासी लोगों को बोलते हैं, आप नया लोगों के पास जाइए, नया घर में जाइए, ट्रैक्ट दीजिए। हम तो 30 पैसे में ट्रैक्टर दे रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा कीजिए। एक हफ्ता में 10 रुपया खर्चा करेगा आपको 30 फॉर्मलेट मिलता है, किताब मिलता है उस जो गॉस्पल का। हालेलुया। 10 रुपया हफ्ता में 10 रुपया खर्चा करेंगे 30 मिलेगा। 30 घर में बांट सकता है, बता सकता है, लेकिन नहीं निकलना चाहते। हालेलुया। कुछ लोग आदत है, ऑलरेडी जो चर्च में आ रहा है सही है, उन लोगों का घर में ही घुरते रहेंगे। हालेलुया। कुछ लोग ये आदत है, कुछ लोग वही जगह में इधर जाएगा उधर नाश्ता पानी मिलेगा, उधर जाएगा उधर का भला बुरा बोलेगा। ऐसा जो ऑलरेडी विश्वासी है, जो चर्च में आता है, प्रभु का साथ सही है, उन्हीं लोग का घर में घुरते रहते हैं। हालेलुया। जो चर्च में नहीं आता है, चर्च में छोड़ दिया, उन्हीं लोगों पर जाइए और नया लोगों के पास जाइए। हालेलुया। आप अपना सुसमाचार को प्रचार कीजिए, वहां पर प्रभु का काम होगा। हालेलुया। वहां पर प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के और चमकदार क्रिया करना शुरू कर देगा। हे प्रभु, हमारे दिया अधिकारी क्यों है? वो श्वसन का पुल के अंदर हीलिंग पावर रहता है, हीलिंग पावर। हालेलुया। बोलिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन में हीलिंग पावर। बोलिए, मुकुल के सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। हीलिंग पावर, यस, मेरा जीवन में हीलिंग पावर। हालेलुया। इसलिए चर्च में क्या है, बहुत प्रकार की वरदान वालों को भी प्रभु रखता है, बहुत प्रकार की बुलावट वालों को भी चर्च में रखता है। हालेलुया। चर्च में बहुत लोगों को बहुत प्रकार की और टैलेंट प्रभु देता है। ये उंगली में सब एक ही बराबर रहेगा तो काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हर चीज के लिए क्या है, एक एक काम है। शरीर में बहुत से पार्ट्स है, सब पार्ट्स को अलग अलग काम है। शरीर बनकर आंख ही रहेगा तो मुंह कहाँ है, कैसा बोलेगा? सब जगह मुंह ही रहेगा तो कान कहाँ है, कैसा सुनेगा? इसलिए सब प्रकार के लोगों को प्रभु चर्च में रखता है। सब अपना अपना अलग अलग टैलेंट है, उसे अलग अलग टैलेंट को अलग अलग तरीका से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। सबको ये नहीं है माइक पकड़ के प्रचार करना ही सबका टैलेंट नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग और भी टैलेंट है, कुछ लोग जिंदगी देखे हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत जल्दी मिल जाता है। नया लोग आता है, उनसे बात कीजिए, उन लोग से नंबर लीजिए, उन लोग से एड्रेस लीजिए, उनके पास कॉन्टैक्ट रखिए, उनका कंटिन्यू उसका पुशअप कर दीजिए। ये पूरा कर सकते हैं। कितना लोग बत्तीसवा लिया पिछला इसमें, हम पूरा अभी रजिस्टर हम लोग दे रहा था, अभी तक आधा लोग कोई कैंसिल में नहीं है। बहुत लोग नया ऐसा ही ये प्रचार सुन के एड्रेस सुन के चर्च में आया, मन पर 32 वालिया चले गया, लेकिन उन लोगों को केयर करने वाला नहीं है, कैंसल लीडर नहीं है, कोई कैंसल में नहीं है। हालेलुया। कितना लोग चर्च खत्म होने के बाद प्रार्थना के लिए आता है, इतना बड़ा भीड़, सब नया लोग हैं। कहाँ से आया? मैं वहाँ से आया, कोई बोला मैं आया है, लेकिन उन लोग किसके हाथ में सुनेंगे? उधर कोई कैंसल लीडर नहीं रहता है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम लोग क्या करना, नया लोग को जोड़ना, उसको केयर करना, उसको गोद में लेना। हालेलुया। पुराने लोग का घर में मत घूरिए, नया लोग के पास जाइए, नया घर में जाइए, नया सुसमाचार बांधिए, उन लोग को मसीह में लाइए। धीरे धीरे उनको बता के समझा, उसका टाइम लगता है, बहुत धीरे चाहिए, बहुत प्यार चाहिए। हालेलुया। इसलिए उसी समय प्रभु क्या करता है, आपको कुछ सामर्थ्य देता है, वरदान देता है। बोलो, जाकर सब जगह पर सुसमाचार प्रचार किया, वहाँ पर प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनका वजन को दृढ़ किया है। वो हर जगह पर प्रभु आपको एक करता है। प्रेतला एक चंगा करने वाला एक सामर्थ्य। कुछ लोगों का हीलिंग ऐसा है जो गिरा हुआ लोगों को खड़ा कर देता है, जहाँ जहाँ बेतरती पे उसका ठीक करवाता है। कुछ लोग उसी तरह की हीलिंग पावर प्रभु देता है। कोई भड़कने वाला को जाकर समझाता है, तुम जो रास्ता जा रहा है वो सही नहीं है,
वो रास्ता पर मत जाओ। जो जो कुटकुटा रहा है ये सही नहीं है, तुम्हारा स्वभाव सही नहीं है, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है। इसी तरह समझाने वाला एक स्पिरिट भी है, वो भी क्या है, हीलिंग से। हालेलुया, मिला तो लेकर पढ़ नहीं सकता है, जो यिर्मयाह का उसका 3:22, यिर्मयाह का उसका 3:22, यिर्मयाह उसका 3:22 पढ़िएगा। हे भटकने वाले, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ। हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ। जो भी आकर भी भटक रहा, मतलब क्या, पहले सही था, पहले प्रभु में था, हालेलुया, अभी क्या हो गया, भटक गया। हे भटकने वाले लौट आओ और मैं तुम्हारा भटकना दूर सुधार दूंगा। मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, भटकता सुधार दूंगा। वहां पर इंग्लिश में लिखा हील करके लिखा, हीलिंग का शब्द आता। तुम जो भटकते रहे, कुछ लोग जीवन कितना भी साल की मसीह की ना हो, जिंदगी पर भटकते रहेगा, उनका दिमाग संतुलन नहीं रहता। ऐसा करेंगे ना, अच्छा ऐसा करेंगे, अपना दिमाग घुरा घुरा के भटकते रहते हैं, भड़कते रहते। यदि उनके पास कोई सही समझाने वाला नहीं है, 100% आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा बहुत लोग हैं, देने भाई उधर इधर, ओ ये भड़कते रहते। कितना लोग मेरे को सवाल पूछते रहते हैं, वो पास्टर का 50 सुना, वो भी सही था क्या, ये पास्टर का 50 सुना, ये भी सही था क्या। तब उनको बाइबल से समझाता है, ओ हाँ हाँ पास्टर सही है सही है, तब वो समझता है। मतलब क्या है, उनको बहुत जल्दी भड़का सकता है। हालेलुया, उसी तरह के लोग भी बहुत हैं, वो लोग हमारे सामने नहीं आता। यदि आप विश्वासी बगल में भटकने वाला विश्वासी को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनका समझाओ, तुम जो कर रहा है गलत है, तुम जो कर रहा है सही नहीं है। हालेलुया, ब्रदरा, कोई भटकने वाला विश्वासी वो दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, गुटकी खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई वो ये गलत कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई गलत रिश्ता जोड़ रहा है, इसमें जो भी कर रहा है, उसका भटकने वालों को क्या करो, हीलिंग करो। तुम श्वसन का पुल बन जाएगा, ताकि तुम्हारा द्वारा क्या है, भटकने वालों को हीलिंग मिल जाता है। वसया नबी का किताब उसका 14:4 में भी इसके बारे में देख सकते हैं। हर एक भटकने वालों को हीलिंग देने वाला एक श्वसन का पुल बन जाना है। वसया नबी का किताब उसका 14:4 वसया, मैं उनका भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं उसका भटकने वाला आदत को दूर करूंगा, मैं सेत मेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। ध्यान दीजिए, ये भटकने वाला आदत, हालेलुया, ये हमारा नहीं है। देखिए आधा विश्वासी लोग के अंदर ये भटकने वाला स्वभाव स्टार्टिंग लगे फिनिश से देख भटकते रहेगा, उधर इधर इधर उधर। देखिए हमारा यहाँ पर कितना 10,000 से अधिक लोग बपतिस्मा जो चंगाई मिला, तकरीबन 4,000 से अधिक लोग बपतिस्मा ले लिया, 4,500 लोग कहाँ है, बोलो भड़क गया, वो भड़केगा 100%। अरे पहला आदम हवा इंसान दो ही इंसान था, वो दोनों इंसान भड़क गया, 100% भड़क गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये शैतान का काम है, उनका कैसा भी भड़काना, उनको भड़काना देने भाई करने के लिए 24 घंटे आपके पीछे कोशिश रहते रहेगा। आप पहले सही हो जाए, हील हो जाए, और इसी तरह भड़कने वालों को आप हीलिंग करते रहे, उनको समझाते रहे, उनको बकबक समझाते रहे। प्रेज द लॉर्ड, इसी तरह अनुभव मेरे जीवन में भड़कना नहीं है। हालेलुया, और एक हीलिंग क्या चाहिए, टूटा हुआ मन। मिला तो लेकर पढ़ लीजिएगा भजन संगीता उसका 143:3। वो कैदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। कुछ विश्वासी देखिएगा, कोई ना कोई बातों से जल्दी टूट जाता है, छोटा बातों से जल्दी टूट जाते हैं, उनका हृदय टूट जाता है। अरे यार छोड़ा यार, क्या है येसु, क्या है चर्च, क्या है पास्टर, क्या है मिनिस्ट्री, क्या, अरे सब छोड़ो यार, ये पूरा देख लिया, इतना साल देख लिया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके क्या कहते हैं, भड़क जाते, उसका मन कैदित हो जाते, मतलब क्या है, टूट जाते। ऐसा मन टूटा हुआ लोग जो निराशा में चले जाते हैं, उन्हीं लोग को हीलिंग करना है। ये श्वसन पुल का और एक काम क्या मालूम है, उसी तरह की कैदित मन वालों को क्या करना, हीलिंग करना। अभी तो चर्च नहीं है, फिर भी क्या है, आप लोग इंडिविजुअल अपना 2-व्हीलर में 4-व्हीलर में जगह जगह अपने घर में विजिट कर सकता है,
अपने कैसल के अंदर किसी कर सकता, उसी तरह के लोगों के पास चाहिए जो जो टूट गया है। अरे इतना साल प्रार्थना किया मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ, इतना साल प्रार्थना किया मेरा नौकरी चाकरी नहीं हुआ, मैं इतना साल प्रार्थना किया मुझे एक बच्चा नहीं मिला, इतना साल मैंने प्रार्थना किया मुझे घर नहीं मिला, मेरा और नहीं मिला, मेरा ए नहीं मिला। बहुत लोग क्या हो जाए, मन टूट जाते हैं, अपना मन को छोटा कर देते हैं, ऐसा छोटा करके धीरे धीरे प्रार्थना कितना उनका ईश्वरीय धुन, उनका विश्वास, उनका सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसी तरह के लोगों के पास आइए, उसका विश्वास को बढ़ाइए, हील कीजिए। हालेलुया, कहते थे मन वाला को वो चंगा करता है। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे, एक श्वसन पुल बने, एक श्वसन पुल बने, मेरा दुलाक की तरह सोच विचार करेगा हर एक पास। ये भी एक किस्म का हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर है, ज्ञान की वरदान, बुद्धि का वरदान। उसको बताओ, समझाओ, बाइबल से लेकर लाशर को देखिए, उसको मरने के बाद ले जाने के लिए स्वर्ग दूधों उतरा, लेकिन उसका जीवन पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, उनका घर नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, खाना नहीं मिला, चंगा नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद आनंद काल की जीवन मिला, मरना दम तक विश्वास योग्य। यही मसीह जीवन है, सब कुछ दुनिया में देंगे करके प्रभु नहीं बोला, ये दुनिया में देना ना दे। हालेलुया, उनका हिम्मत दीजिए। सारी प्रेरित लोग इतना रक्त गवाही बनकर मरा, क्यों? वो लोग कुटकुटाना तो कितना कुटकुटा सकता। प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के कारण पौल और सिलास को इतना मार मार के, उनको सारी कपड़ा फाड़ के, सबका सामने बदनाम करवा के, उसका जेल में भित्र कोठरी में उल्टा टांग दिया, तो भी वो लोग आराधना किया। हालेलुया, आज हमारा ये कैदित मन वालों को, इसे हर विश्वासी आप लोग का दायित्व है, ये आवाज को सुन रहे आप, मन पर बपतिस्मा ले लिया, आपका हर एक का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चारों तरफ घूरिए, घर के अंदर मत रहिए। हालेलुया, जाइए आस पास पड़ोसी, अपना जो जो कैदित मन में दुखी होकर बैठा हुआ उनका जाकर बताइए, सब कुछ प्रभु करेगा। हालेलुया, एक बाप अपना बच्चों को कितना सोचता है, क्या एक माँ अपने दूध पीने वाला बच्चों को वो भूलेगा तो भी ना भूलेंगे करके वायदा किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया, उन लोगों को क्या करना है, हिम्मत देना है। हालेलुया, इब्रानी का पत्र उसका 12 का 3 में देखते हैं, एक लंगड़ा था, फिजिकली हीलिंग्स, हालेलुया, मेडिकल अनफिट, जन्म से माँ की गोद से ही क्या हो गया, लंगड़ा पड़ेगा। इब्रानी 12 का 13, इब्रानी का पत्रिका, इब्रानियंस 12:13, इब्रानी का 12:13, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया, यहाँ पर एक किस्म का लंगड़ा, ये लंगड़ा क्या है, फिजिकली लंगड़ा नहीं है, स्पिरिचुअल लंगड़ा, वो सही मार्ग को जानकर उसमें चल नहीं पाते। प्रिय भाई बहन, मसीह जीवन एक दिन मन पिरा बपतिस्मा लिया अभिषेक पाया खत्म हो गया नहीं है, आपका मसीह जीवन अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद शुरू होता, कब तक, लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, जंगल में 40 साल का रास्ता है तब कानान। हालेलुया, तुरंत नहीं आने दे आपका लंबा रास्ता, ये रास्ता पर आप लंगड़ा बनकर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, सीधे मार्ग में आगे बढ़ना है। हालेलुया, ये हमारा जीवन में सही होना है। हालेलुया, आज हम लोग हीलिंग होना है, दूसरों को भी हीलिंग देना है, एक हीलिंग पावर, स्पिरिचुअल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग और मेंटली हीलिंग। जो मेंटल हीलिंग वही है, जो अपना मन को टूटा हुआ मन, कैदित मन, मन को छोटा कर दिया, कोई दुखी होकर बैठ गया, वो ऐसा बोल दिया, ये ऐसा बोल दिया, वो सिस्टर वैसा बोल दिया, वो पास्टर ऐसा बोल दिया, वो हो गया, अरे वो पूरा छोटा छोटा बातों को मन में रख कर के मन टूट गया तो बैठ जाएगा, तुम्हारा आत्मा नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, इसे तीनों हीलिंग, एक फिजिकली हीलिंग, हालेलुया, उसका हम बोलने का जरूरत नहीं, बाइबल भर का वही लिखा हुआ है, फिजिकली हीलिंग लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो मेंटली हीलिंग, मेंटली हीलिंग मतलब जो कहती थी मन, कुछ ना कुछ छोटा छोटा बातें में, गलत फहमी में, कुछ लोग सही है लेकिन गलत फहमी में क्या हो गया, मन छोटा कर दिया, साइड हो गया। हालेलुया, वो लोग को मेंटली हीलिंग देना है जाके। तीसरा है स्पिरिचुअल हीलिंग,
हालेलुया, आत्मिक जिंदगी में उनको हीलिंग देना है। दुष्ट उनका मन का, उनके हृदय का दुष्टात्मा हटाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको चलाना, इसी तरह की श्वसन का फूल बनेंगे। आज कितना लोग चाहते हैं हम श्वसन का फूल बन के, हम हीलिंग पावर के साथ बरना के बर के इस्तेमाल होना। आप जब कितना इस्तेमाल होंगे, कितना इस्तेमाल होंगे उतना प्रभु आपका बढ़ते जाएगा। ये नहीं है प्रभु भरने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, आप इस्तेमाल होइए तब प्रभु आपको क्या करेगा, वो बनाएगा। तुम अपना लंगड़ा लुल्ला आत है, आत लुल्ला है, लंबा नहीं कर सकता है, और जो पूरा सूख गया है, लेकिन प्रभु बोला सूखा हुआ आत को तो लंबा करो। जब आत को लंबा किया, वजन में लिखा आत को लंबा किया, तब उसका हीलिंग मिल गया। हालेलुया, ऐसा ही परमेश्वर। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने आँखों को बंद करके रिवनम शोल भी ग्लोरी अखा बनमा। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है। ओ द लॉर्ड ऑफ अवर ग्लोरी अखा बनमा। आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आशीर्वाद कर। आज कितना लोग वजन को सुन रहा है, सबके जीवन में ओ ओ प्रभु आपका जो श्वसन का फूल बनने में मदद देकर, उसी श्वसन का फूलों के बीच में छला पिरा करने वाला आज उन लोग का जीवन में कार्य कर। उनका घर को आशीष कर, भवन को आशीष कर, रात की मेहनत को, कमाई को, रोटी को, पानी का, अन्न को, कटोरे का, तेल को, कुपी को आशीष कर। हर बीमारी बलंगीन रोग हर कोरोना से बचा के प्रभु संभाल। कितना लोग अभी इस आवाज को सुन रहा है, बीमारी में, बलंगीन में, रोग में, तकलीफ में, इसी वक्त प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उनको छूने के लिए विनती करते, आशीर्वाद कर। कितना लोग तेल पानी को रखा, सारे तेल पानी को भी प्रभु भरपूरी आशीष कर, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।